तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों, हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर सेकेंड यानी कि चैप्टर टू फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी प्रतिफल विधि, यह लेक्चर सेकेंड है। इसके पहले हम लोगों ने इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर का, और पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लिए हैं। और सेकेंड चैप्टर जो हमारा है फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस, इसको इसको ऑलरेडी यानी कि इसमें टोटल आठ आठ टॉपिक्स हैं, मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ठीक है, आठ नहीं छः टॉपिक्स हैं इसमें, जिसमें से हम लोगों ने पहला टॉपिक्स, ठीक है, इसमें टोटल छः टॉपिक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे छः टॉपिक्स है जिसमें से हम लोगों ने पहला चैप्टर, ठीक है, पहला सॉरी पहला टॉपिक इस चैप्टर का, सेकेंड चैप्टर का पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि इसके यानी सेकंड चैप्टर का एक लेक्चर, ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लेक्चर सेकंड है यानी सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, और हमारा टॉपिक्स रहेगा इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक रहेगा यानी कि प्रीमिजिबल स्ट्रेस यानी या वर्किंग स्ट्रेस इसे बोला जाता है हिंदी में, अनुज्ञेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल इसे बोला जाता है। तो दोस्तों, ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेक्चर को कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बेसिक चीज़ यहाँ से स्ट्रांग होगी। यदि आपकी बेसिक चीज़ें नहीं स्ट्रांग रहेंगी तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और नोट मतलब बनाते चलना है, एक नोट की भांति ही आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप अपने तरीके से फिर इसी की भांति आप, ठीक है, नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक यही है हमारा प्रीमिजिबल स्ट्रेस यानी कि अनुज्ञेय प्रतिबल। एक मिनट में इसको, हाँ सही है, हाँ ठीक है ठीक है, अनुज्ञेय प्रतिबल, प्रीमिजिबल स्ट्रेस अनुज्ञेय प्रतिबल। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुज्ञेय प्रतिबल होता क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है प्रीमिजिबल स्ट्रेस, प्रीमिजिबल स्ट्रेस, एक मिनट, प्रीमिजिबल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होती है जिस पर, यह होता है जिस पर हम किसी भी आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यानी कि ऐसा सेक्शन होता है, ठीक है, ऐसा सेक्शन, ऐसा मतलब प्रीमिजिबल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जिस पर हम आरसीसी सेक्शन को, किसको, आरसीसी जो सेक्शन होता है, आरसीसी का जो ब्लॉक होता है, उसको हम लोग डिजाइन करते हैं किस मेथड से, WSM मेथड से यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रीमिजिबल स्ट्रेस क्या होता है, आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करते हैं किससे, किसमें, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग आरसीसी सेक्शन को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। इसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी कि सॉरी वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, पर प्रीमिजिबल स्ट्रेस को, अनुज्ञेय प्रतिबल को कार्यकारी प्रतिबल भी कहते हैं। आप इसको बिल्कुल भी मत, मतलब आपको याद रखना है कि हाँ, प्रीमिजिबल स्ट्रेस को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है क्या, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, कार्यकारी प्रतिबल। तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में, ठीक है, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है, तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है। अनुज्ञेय प्रतिबल हिंदी हो गया एक, और एक हो गया हिंदी इसका कार्यकारी प्रतिबल, और इंग्लिश प्रीमिजिबल स्ट्रेस, और एक इंग्लिश वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बस छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं आपको समझते हुए चलना है, और बहुत ही समझ लीजिए एक तरफ से इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जो भी टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इसके बाद टॉपिक आने वाले हैं आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए, प्रीमिजिबल स्ट्रेस यानी कि अनुज्ञेय प्रतिबल का यहाँ पे फार्मूला दिया है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे प्रीमिजिबल स्ट्रेस का फार्मूला दिया, कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है, यानी प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी कि किसमें दिया, कंक्रीट में। आप देखिए, कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल, ठीक है, इसके दो फार्मूला होता है, एक कंक्रीट में और एक होता है स्टील में। तो सर्वप्रथम हम लोग देख रहे हैं कंक्रीट में, तो कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल क्या होता है, कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यानी देखो कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल बराबर हो जाएगा आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि हिंदी में आप लिखोगे कंक्रीट की, ठीक है, अल्टीमेट यानी चरम होता है, ठीक है, चरम सामर्थ्य,
ठीक है, आप चरम सामर्थ्य कह सकते हो या मैक्सिमम बोल सकते हो, अधिकार अधिक से अधिक सामर्थ्य, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। क्या बोल सकते हो इसको? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है, यहाँ पे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम लोगों ने सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखें क्या होता है, उसके बाद इसका कंक्रीट में हम लोगों ने इसका फार्मूला देखना है। तो कंक्रीट में अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो गया, ठीक है, यानी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य किसकी? कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, और क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सुरक्षा गुणांक। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसको सुरक्षा गुणांक बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा, यहाँ देखो कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल के बारे में हम समझे हैं, कंक्रीट में तो यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि ठीक है कंक्रीट की, ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो गया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा गुणांक। तो इसका मान अगर जो हम लोगों को रखना है तो कैसे रखा जाएगा, यानी कि कंक्रीट अल्टीमेट स्टेट ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कह सकते हो। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आपको कहाँ से पता चलता है? मान लीजिए कि कोई कंक्रीट है, एम 20 ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है, एम 20 ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है, या फिर आप एम 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 25 ग्रेड की कंक्रीट, यानी कि कोई भी ग्रेड की कंक्रीट ले लो, ठीक है, 2 ग्रेड की मान लीजिए कंक्रीट है, एक ही ग्रेड के लिए ले लो, एक मिनट मैं आपको एम 20 ग्रेड के कंक्रीट पे ही समझा दे रहा हूँ। एम 20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो एम 20 ग्रेड में है, और एक मान लीजिए एम 20 ग्रेड का हम लोगों ने कंक्रीट ले लिया है, तो वन इसमें अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यदि आपसे किसी ने पूछ लिया, इसके पहले लेक्चर में ठीक है हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, यदि आपसे कोई अभिलाक्षणिक सामर्थ्य पूछ लिया है कि एम 20 ग्रेड का जो कंक्रीट है, ठीक है, इसमें अभिलाक्षणिक, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इस इन चीज़ों को समझ लिया, यदि आप इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उस पहला चैप्टर उसको नहीं देखो तो उसको जाके देख लीजिए, ठीक है, यानी कि यम यम को मिक्स के मिक्स कहते हैं, यानी मिक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, मिक्स बोला जाता है, और ये है यानी जो नंबरिंग रहता है इसमें यम के साथ, उसको अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहा जाता है। तो आपका 20 जो है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो जाएगा। यदि यहीं पे आपका एम 15 दिया होता तो यानी कि 15 जो होता है, ठीक है, यानी कि एम 15 ग्रेड का कंक्रीट, ठीक है, आपका हो जाएगा। तो इसमें अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितना होगा? एम अभिलाक्षणिक सामर्थ्य 15 यानी कि 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आपको 15 रख देना है, ठीक है, नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि कंक्रीट में, ठीक है सर, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक क्या होता है इसके बारे में देखिए, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक, ठीक है, इन बेंडिंग कंप्रेशन, तो कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक जो होता है वो 3 होता है, कितना होता है? 3। इसको आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 3 होता है। तो आप देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप रख दीजिए 15, कोई दिक्कत नहीं है, तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक आप रख दो 3, ठीक है, कंक्रीट के लिए है ये, तो 3 से जब 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यानी कि कंक्रीट, एक मिनट कहाँ जा रहा है यार, यहाँ पे देखो कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, इसका फार्मूला पढ़े, सॉरी डेफिनेशन पढ़े हैं, प्रीमिजिबल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस होती है जिस पर हम किसी आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है, किस में डिजाइन करते हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, आपको समझ में आया होगा। उसको कंक्रीट में अनुज्ञेय प्रतिबल के बारे में हम लोग जान गए, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य आप समझिए समझ गए हो, मान लो M 15 ग्रेड का कंक्रीट होता है, यहाँ पे 15 होगा, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होगा, फैक्टर आप सेफ्टी रख दोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अपने यहाँ पे देखो, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो कुछ यहाँ पे है, आप उसको थोड़ा बहुत इसमें नज़र डाल लीजिए क्योंकि भी आप आगे बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ देखिए क्या दिया है, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है, बेंडिंग कंप्रेशन यानी कि देखो सिग्मा CBC जिसे बोला जाता है, सिग्मा CBC यानी कि प्रीमिजिबल हो जाएगा, ठीक है, प्रीमिजिबल स्ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद इन सी से कंक्रीट हो जाएगा, इन बी से बेंडिंग हो जाएगा और कंप्रेशन हो जाएगा सी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, न्यूटन प्रति एमएम लिखा गया है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे न्यूटन प्रति एमएम है ये वाला, ठीक है।
अब देखो कुछ नहीं किया गया, बस मैं आपको जो चीज़ें समझाया हूँ वही चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे कि मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको कुछ ग्रेड की कंक्रीट है, कि मान लो M15 ग्रेड की कंक्रीट है, M20 ग्रेड की, M25 ग्रेड की, M30 ग्रेड की और M35 ग्रेड की कंक्रीट है। ठीक है, इतने ग्रेड की आपको कंक्रीट है, यानी कि कंक्रीट कई ग्रेडों की होती है, तो आपको 35 ग्रेड तक ले करके, ठीक है, दर्शाया गया। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखो आपको निकालना है परमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट में आपको अनुगैय प्रतिबल ज्ञात करना है। तो आप कैसे करोगे, आप कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, यानी कि CBC, सिग्मा CBC का मान निकालना है। तो आपको सिग्मा CBC का मान निकालने के लिए आप 15 ऊपर रखोगे, और कंक्रीट का जो मान होता है, ठीक है, सुरक्षा गुणांक होता है, आप 3 रखोगे तो आपका 5 आया था, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 5 हो गया। आपके यहाँ पे 20 है, तो आप ऊपर 20 रखोगे और नीचे 3 रखोगे, ठीक है, तो यानी कि आप कुछ, यानी 6 पॉइंट कुछ करके आएगा तो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25, तो आपको क्या रखना है, ऊपर 25 रखना है और नीचे 3 रखना है, ठीक है, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर होता है, तो सेफ्टी फैक्टर हमारा 3 होता है, तो आपको नीचे 3 रख देना है। तो यानी कि आप 3 में जब 25 से गुणा करोगे तो 8.5 आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 30 है, 30 में 3 से करोगे तो 10 आ जाएगा, 11 पॉइंट। ऐसे ही बस आपका आप निकालोगे किसी भी ग्रेड का कंक्रीट रहेगा, यदि उसमें CBC का मान पूछ रहा है, यानी कि अनु कंक्रीट में अनुगे प्रतिबल का मान पूछ रहा है, या प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग है, तो इसका तो फुल फॉर्म है, आप कंक्रीट में अनुगे प्रतिबल का मान पूछ रहा है, तो आप इजीली आपको आप ऐसे निकाल के दिखा दोगे। ठीक है, इसका मान बहुत जगह न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो आपको स्किप नहीं करना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप देखिए, हाँ यहाँ पे 1 मिनट, हाँ एक, अब देखो हम लोग देखे हैं कि प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट देखे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रीमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील दिया है। क्या दिया है, स्टील, स्टील में अनुगैय प्रतिबल। हम लोग आगे समझे, कंक्रीट में अनुगैय प्रतिबल, यहाँ पे कंक्रीट था लेकिन यहाँ पे स्टील दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और बटे है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड यानी होता है आपका पराभव, यील्ड यानी क्या होता है, पराभव। ठीक है, पराभव, पराभव यानी कि स्टील की पराभव सामर्थ्य। ठीक है, पराभव हो जाएगा, स्टील की पराभव सामर्थ्य या अभिलाषण सामर्थ्य, इसका भी माने होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका हो जाएगा, सुरक्षा गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक कितना था, कंक्रीट के लिए 3 था, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक अलग होता है, 1.78, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक, कंक्रीट के लिए सुरक्षा गुणांक 3 होता है और स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक गुणांक 1.78 होता है। तो हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए यील्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मान लीजिए कि कोई छड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि FE 250 ग्रेड की कोई छड़ है, तो यानी कि इसमें आपका यील्ड यानी स्ट्रेंथ जो होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि अभिलाषण सामर्थ्य 250 यानी कि 250 होगा, तो आपको 250 रख देना है। और वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे उसका ग्रेड रख लेते थे कंक्रीट में, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड नहीं रखना, हमको स्टील का ग्रेड रखना है, सॉरी स्टील का सुरक्षा गुणांक रखना है। तो स्टील का सुरक्षा गुणांक कितना हो जाएगा, 1.78, 1.78 आप स्टील का सुरक्षा गुणांक रख दोगे, और इसमें जब भाग दोगे, ठीक, इसका कैलकुलेशन करोगे, तो आपका 140 40 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर आपका आ जाएगा मान। यहाँ पे कुछ स्टील है, उसका अभिलाषण सामर्थ्य दिया है, मान दिया गया, और उसको निकाल के दिखाया गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए फॉर्माइल स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील और यानी कि स्टील की ग्रेड, और प्रीमिजिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन। देखिए प्रीमिजिबल स्ट्रेस इसे बोला जाएगा, और यस से स्टील हो जाएगा, इन टेंशन हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एस टी का मान होता है, ठीक है, शॉर्टकट में आप सिग्मा एस टी बोल सकते हो। यानी कि स्टील में अनुगैय प्रतिबल निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर यहाँ पे देखो, या फॉर्माइल स्टील के लिए हम लोग कुछ निकाल लेते हैं, मान फॉर्माइल स्टील है 250, अभी आपको मैं बताया हूँ। ऐसे ही है फॉर मीडियम टेंसाइल स्टील है 345 है, और 345 से जब भाग दोगे 1.78 में, तो आपका 119, ठीक है, यानी कि 190, ठीक है, 90 न्यूटन MM² हो जाएगा, 90 न्यूटन प्रति MM² आपका मान आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही है फॉर HYSD। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर HYSD स्टील एक होता है, यहाँ पे देखिए 415 दिया इसका मान। ठीक है, यानी कि अभिलाषण समार्थ 415, तो आप 415 रख दोगे और 1.78 रख दोगे, कितना रख दोगे, 1.78 रख दोगे, तो आप जब इसमें कैलकुलेशन करोगे तो 230 न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही 275 है तो यानी कि 500 तो ऐसे ही मान आपको रख के निकाल देना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हम लोग क्या किए, हम यहाँ पे बस स्टील का जो था, स्टील में अनुगे प्रतिबल, तो यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यानी कि स्टील के अभिलाक्षणिक सामर्थ्य रखे हैं, हमारे जो 250 था तो 250 रख दिए हैं, और स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक का जो यूज करते हैं उसका हम लोग यूज करके 1.78 रखता है। तो यानी कि ऐसे ही हम लोग पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी स्टील आएगा ठीक है उसको अभिलक्षणिक सामर्थ्य, जो नंबर वाला रहता है उसको अभिलक्षणिक सामर्थ्य बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो सुरक्षा गुणांक आपको याद रखना पड़ेगा, सुरक्षा गुणांक स्टील में क्या होता है, तो 1.78 हो रहता है, ठीक है। तो उसको याद करके आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आपका मान आ जाएगा इजिली आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। बस हम लोग यही पढ़े प्रीमिजिबल स्ट्रेस किसे कहते हैं, तो आपको इजिली है, आपको समझ में आरसीसी सेक्शन को डिजाइन करने के लिए वर्किंग वर्किंग स्ट्रेशन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंक्रीट के लिए अनुज्ञेय प्रतिबल के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंक्रीट के लिए हम लोग अनुज्ञेय प्रतिबल के बारे में पढ़े हैं, तो इसका यहाँ पे फार्मूला होता है, तो यहाँ पे उसका ग्रेड रखा जाता है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है, कुछ नहीं था। उसके बाद सीधा है, उसको हम कंक्रीट के लिए, उसके बाद हम लोग स्टील के लिए पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए स्टील के लिए पढ़े हैं यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और स्टील के लिए सुरक्षा गुणांक कितना होता है 1.78, और उसके बाद कुछ मान निकाल के हम लोग देखे हैं, समझे, और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, हम दो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा टॉपिक है हमारा मॉडुलर रेशियो यानी कि मापांक अनुपात, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे कि मापांक अनुपात क्या होता है। हम देख लीजिए मापांक अनुपात क्या होता है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ। इस्पात यानी कि स्टील आप बोल सकते हो का यंग प्रत्यास्थता मापांक तथा कंक्रीट का यंग प्रत्यास्थता मापांक के अनुपात को मापांक अनुपात कहते हैं। इसे यम से डिनोट करते हैं यानी कि यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, आपको जब ये फार्मूला याद हो जाएगा तो आप इसको बना सकते हो, कोई नहीं है, ठीक है। इसे यम से डिनोट करते हैं यानी कि हमारा मापांक अनुपात है। इसका क्या होता है, इस्पात का यंग प्रत्यास्थता मापांक, यहाँ पे यही लिखा है इस्पात का यंग प्रत्यास्थता मापांक तथा तो कंक्रीट का, यहाँ पे कंक्रीट का यंग प्रत्यास्थता मापांक, ठीक है, ECES, ठीक है, ये अनुपात को हम लोग मापांक अनुपात कहते हैं। स्टील यहाँ पे देखो इस्पात का यंग प्रत्यास्थता मापांक और कंक्रीट का, बस इस्पात और कंक्रीट यहाँ पे ऊपर है, मतलब ऊपर इस्पात है और नीचे कंक्रीट है, इन्हीं का यंग प्रत्यास्थता मापांक आपको, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, मापांक अनुपात कहलाता है। इसे ही हमसे प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ई आपको पता ही है, ई को हम लोग करते हैं, कहते हैं यंग प्रत्यास्थता मापांक ई, और यस है तो स्टील हो जाएगा, ठीक है। ई यस और बटे इसी है तो इसको भी यंग प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं, लेकिन इसके साथ सी है तो ये कंक्रीट हो जाएगा, तो वही कहा गया है स्टील के यंग प्रत्यास्थता मापांक और कंक्रीट के यंग प्रत्यास्थता मापांक की अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी मॉडुलर रेशियो कहते हैं, ठीक है, मापांक अनुपात कहते हैं। एक मिनट, इसके बारे में कुछ और चीजें हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है, यहाँ आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका फार्मूला देखे हैं, ES बटे EC इसका हो जाएगा फार्मूला। एक मिनट यार बस, हाँ अब यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील, फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील यानी कि स्टील के लिए, ठीक है, फॉर ऑल ग्रेड्स ऑफ स्टील, स्टील के सभी ग्रेड के लिए, ठीक है, यानी कि जो भी ग्रेड की कंक्रीट हो या जो भी ग्रेड की मतलब है, क्या नाम है कि इस्पात हो, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी कंक्रीट नहीं रहेगा, स्टील है ना, तो स्टील किसी भी ग्रेड का स्टील हो उसके लिए हम लोग ES का मान यानी कि यंग प्रत्यास्थता, ठीक है, यहाँ पे यंग प्रत्यास्थता मापांक जो रहेगा, ठीक है, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता मापांक का जो मान रखा जाएगा ना, वो 2×10^5 ही रखा जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टील के किसी भी कोई भी ग्रेड हो, स्टील स्टील किसी भी ग्रेड का हो, उसके लिए ES का मान जो रखा जाएगा 2×10^5 Nm² ही रखा जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिए, न्यूमेरिकल में इसका बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, आप लोगों की इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप देखिए आगे है हमारा EC, इसी हम लोग ES के, इस ES के बारे में जान गए, स्टील के लिए यंग प्रत्यास्थता मापांक यानी किसी भी ग्रेड का होता है तो इसी का यूज करते हैं, और EC जो होता है ना, EC तो EC के लिए अलग अलग, मान लीजिए अलग अलग ग्रेड का कंक्रीट है यानी कि EC से हो जाएगा कंक्रीट, और यंग प्रत्यास्थता यानी कंक्रीट के यंग प्रत्यास्थता मापांक जो होगा उसके लिए एक फार्मूला होता है, छोटा सा होता है, 500 और √FCK। FCK को मैं बताया था, आपको बताया हूँ कि अभिलक्षणिक सामर्थ्य होता है इसका, और अभिलक्षणिक कंक्रीट के अभिलक्षणिक सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को कैसे ज्ञात करना है, आप लोग बहुत ही, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, तो मैंने हम लोगों ने इसके पहले इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है, उसको चाहे उसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिक्र किए हैं। तो FCK मान लीजिए, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, मान लीजिए अब 25 ग्रेड की कंक्रीट है तो 25 जो हो जाएगी इसके अंदर आपका आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए EC का मान, सॉरी
ईसी है और ईसी बराबर 500 है, तो आप 500 ऐसे रख दोगे और अंडर रूट एफ सी के का मान, यानी कि अभिलाषा सामर्थ्य 25 हो जाएगा, तो आप 25 रख दोगे, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 500 और गुड़े 25 है तो आप 5 कर दोगे, ठीक है, यानी कि 25 अंडर रूट से निकलेगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बराबर 2500 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किए हैं, बस यहाँ पे आपको पता है यानी कि सभी ग्रेड के लिए स्टील के लिए ईएस का मान इतना हो जाएगा 2×10^5 Nm² हो जाएगा, लेकिन ईसी का मान आपका अलग अलग जिस ग्रेड का रहेगा उसका उसका ब्लांचिंग सामर्थ्य रख करके ज्ञात किया जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर चलिए एफ सी के कंक्रीट के ब्लांचिंग सामर्थ्य वही बस बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए जब क्रीप को आंशिक रूप से कंसीडर किया जाए, यहाँ पे लिखा है जब क्रीप को आंशिक रूप से कंसीडर किया जाता है तब क्या होता है, ठीक है, यानी कि m बराबर 280। हम लोगों ने इसके पहले अजम्पशन में इसी चैप्टर के अजम्पशन जो टॉपिक पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम लोगों ने इसका जिक्र कर लिया है, ठीक है, तो m जो होता है मॉडुलर मॉडुलर रेशियो होता है, m बराबर 280/3 सिग्मा सी बी सी, सॉरी सिग्मा सी बी सी का मान हम लोगों ने, ठीक है, इसके इसके जस्ट पहले हम लोगों ने अपनी निकालने को, ठीक है, देखा है मतलब कैसे सिग्मा सी बी का मान निकलता है, ठीक है, यहाँ पे कि कंक्रीट था तो कंक्रीट में रखने के लिए आप मान लीजिए 25 ग्रेड का कंक्रीट है तो आपको 3 यानी कंक्रीट का निकालना, तो 3 यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दो तो सी बी सी का मान निकल जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 280 आप रख दोगे नीचे और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्रीप क्या होता है? क्रीप को एक बार समझ लियो, क्रीप आप लोगों ने सोम में पहले ही जान चुके हैं लेकिन एक बार और बता दिया जा रहा है, ठीक है, क्रीप यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्रीप बना दे रहे हैं, ठीक है, एक एक कोई वस्तु बनाया गया, ठीक है, इस प्रकार है, ठीक है, और इस पे एक लोड यानी कि एक कांस्टेंट लोड इस पे लगाया गया, देखो एक कांस्टेंट लोड लगाया गया है, ठीक है, कांस्टेंट लोड लगाया गया इस पे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे पूरा पूरा ला दे रहा हूँ, हाँ सही है, यहाँ पे देखो इस पे क्या लगाया है, कांस्टेंट लोड लगाया गया, इस पे लटकाया गया कांस्टेंट लोड, तो इसको लटकाने के लिए और इस पे हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है, तो इसको लटकाया जा रहा है काफ़ी समय तक हाई टेम्परेचर पे, तो क्या इसमें एक डिफॉर्मेशन होता रहा है, यानी कि इसमें कुछ इसकी लंबाई में वृद्धि हो जा रही है, जब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है जब लंबाई में वृद्धि होती है तो चौड़ाई घटती है, ये ठीक है, तो इसका मान घटेगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो परमानेंट तो जो वृद्धि होती है परमानेंट के लिए, यानी वो दोबारा फिर उसे उसी अवस्था में नहीं बदलती है, तो परमानेंट के लिए जो वृद्धि होती है उसे ही हम लोग क्रीप करते हैं, ठीक है, आप लोग सोम में इसको, ठीक है, एक बार इसका जिक्र हो चुका है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 4 हमारा क्या है, यहाँ देखो टॉपिक नंबर 4 दिया है आपका टोटल इक्विवेलेंट, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, जरा सा भी नहीं स्किप करना है, इसके साथ थोड़ा सा भी मजाक नहीं करना है। अब देख लो यहाँ पे दिया है आपका टोटल इक्विवेलेंट एरिया यानी कुल समतुल्य क्षेत्रफल आपका दिया है, अब कुल समतुल्य क्षेत्रफल होता क्या है इसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं, यानी कि कुल समतुल्य क्षेत्रफल जो चूंकि एक हम इस पे डेरिवेशन करने वाले हैं, कुल समतुल्य क्षेत्रफल जो इस पे डेरिवेशन है और डेरिवेशन को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये आरसीसी का सेक्शन यानी कि कोई ब्लॉक लिया गया है, मान लीजिए आरसीसी का ब्लॉक है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है, कोई ब्लॉक लिया गया, अब देखिए आरसीसी का कोई एक ब्लॉक ले लिए हम लोग, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे सरिया है, आरसीसी के ब्लॉक में सरिया प्रोवाइड कर दिया गया है, क्या प्रोवाइड कर दिया गया है, सरिया, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आरसीसी का ब्लॉक है इसमें सरिया प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे भी सरिया प्रोवाइड किया गया है, तो इस जो सरिया यानी कि छड़ है स्टील का छड़ है इसका जो जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है मान लीजिए ए एस है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए एस है, और इसमें बीच में जो है कंक्रीटिंग किया गया, तो कंक्रीट का जो एरिया है जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो ए सी है, यहाँ तक आपको समझ में आया है, और इस पे एक बल लगाया गया है पी जो कि हॉरिजेंटल बल लगा, सॉरी परपेंडिकुलर यानी कि, ठीक है, इन यानी कि लंबवत इसके बल लगाया गया, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोला सबसे पहले एक आर सी सी का एक सेक्शन लिए हैं, क्या लिए हैं, आर सी सी का एक सेक्शन लिया गया है, और सेक्शन लेने के बाद इसमें एक स्टील का सरिया प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है, स्टील का छड़ है जिसको हम लोगों ने जिसका व्यास सॉरी जिसका हम लोगों ने क्षेत्रफल यानी कि एरिया ए एस मान लिया है, और कंक्रीटिंग इसमें किया गया है तो कंक्रीटिंग का एरिया हम लोगों ने ए सी मान रखा है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को निकालना है टोटल लोड, तो टोटल लोड कैसे निकलेगा, टोटल लोड निकालने के लिए कि पी हमारा पी लोड लग रहा है
तो पी में पीसी और प्लस पी एस यानी कि कंक्रीट, यानी कि इस पे जो लोड लग रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा कि आधा सर यानी कि छड़ पे लग रहा होगा, लगेगा आधा लोड और आधा लोड कंक्रीट पे लगा होगा, ऐसा नहीं होता। आधा से अधिक लोड आपका सरिया पे यानी छड़ पे लग सकता है, आधे से अधिक लोड आपका आपका कंक्रीट पे लग सकता है, या फिर कंक्रीट पे आधे से अधिक लोड लग सकता है और सरिया पे आधे से कम लोड लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं बराबर लोड नहीं लगता। तो यानी कि लोड को हम लोग कंसिडर, टोटल लोड आपको निकालना है, तो पी बराबर पी सी प्लस पी एस, पी एस कर देंगे। ठीक है, तो पी बराबर पी सी प्लस पी एस करोगे तो उसके बाद यहाँ पे सिग्मा सी, उसके बाद सिग्मा सिग्मा सी डॉट ए सी प्लस सिग्मा एस डॉट ए एस लिखा गया। तो ये कहाँ से आया गया, सिग्मा सी डॉट ए सी प्लस सिग्मा एस डॉट ए एस कहाँ से आया, इसको जानने के लिए देखिए फार्मूला होता है प्रतिबल का। प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल यानी कि एफ बटे ए होता है फार्मूला। ठीक है, तो एफ बटे ए होता है, तो यानी कि एफ यहाँ पे हम लोगों ने बल को एफ नहीं माना, हम लोगों ने बल को पी माना है, तो आप लोग यहाँ पे पी रख सकते हो, कोई आपको कन्फ्यूजन डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप पी यहाँ पे रख सकते हो। तो पी बटे ए हो गया, तो ए से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा ए सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो पी के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए हैं, सिग्मा इंटू ए रख दिए हैं, और सी आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्लस हो गया है, उसके बाद सिग्मा एस डॉट ए एस हो गया, सिग्मा एस डॉट एस, सिग्मा एस डॉट ए एस कैसे हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखो कंक्रीट के लिए यहाँ पे भी पी है, तो पी के स्थान पे सिग्मा सिग्मा डॉट ए का यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिग्मा हो गया ऑलरेडी, और यहाँ पे देखो कंक्रीट सॉरी स्टील था, तो स्टील के लिए एस का प्रयोग किए हैं और ए एस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, इसको हम लोग समीकरण एक मान लेंगे। यहाँ देखो उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू आई एस 456-2000, यानी कि आई एस कोड 456-2000 जो होता है वो आर सी सी का आई एस कोड होता है। आपको आपको पहले ही यानी कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में या फिर और जो भी लेक्चर है, ठीक है, पूरे लेक्चर में आपको बताते आया हूँ कि मतलब आई एस कोड 456-2000 आर सी सी का कोड है। ठीक है, तो यानी इसके अनुसार क्या होता है, स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। हम लोगों ने इसके पहले जो जो पहला इस चैप्टर का पहला जो चैप्टर जो पहला लेक्चर है उसमें इस जब अजम्पशन इसका हम लोग पढ़े हैं, यानी कि डब्ल्यू एस एम की मान्यताएं जो पढ़े हैं, उसमें जो जो मान्यताएं थी उसमें एक हमारा पॉइंट था स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। तो मान्यताएं हर जगह आपको काम देगी, तो मान्यताओं को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो उसी में से एक मान्यता निकल के आई है, स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर देखो उसके अकॉर्डिंग होता है डेल्टा एल, डेल्टा एल जो होता है, डेल्टा एल आपको पता है डेल्टा एल क्या होता है, इलोंगेशन होता है यानी कि लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, डेल्टा एल एल सी यहाँ पे माना गया है, और डेल्टा एल एस माना गया है, यानी चूंकि बराबर होते हैं। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए पी ई बटे एल ई, यानी कि देखो यानी कि स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है, तो आपका एक कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट में परिवर्तन और लंबाई यानी कि स्टील में परिवर्तन, ठीक है, तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस आई एस कोड के अनुसार हम लोग चले हैं, और स्टील एंड कंक्रीट में परफेक्ट बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे दर्द दिखाने के बाद डेल्टा एल ई सी यानी कि इलोंगेशन को दिखाएं कंक्रीट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद स्टील के अकॉर्डिंग दिखाएं, बराबर होता है। बराबर रखने के बाद क्या किया गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखो आपको इलोंगेशन का फार्मूला याद होगा, फल अपान ए होता है, यानी कि एफ एल, ठीक है, एफ एल अपान ए ई होता है। ठीक है, इसका फार्मूला इलोंगेशन का डेल एल का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग एफ का प्रयोग नहीं किए, हम लोग यहाँ पे पी का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो पी एल अपान ए ई हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप लोगों ने इसके पहले सॉम में इस फार्मूले का यूज कर चुके हम, पी एल अपान ए ई हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पी एल है, यहाँ पे सी है, तो हर जगह हम लोग सी लगा देंगे क्योंकि कंक्रीट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पी एल अपन ए ही हो जाएगा, लेकिन यस स्टील के अकॉर्डिंग है तो यस लगा देंगे हर जगह, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, एल सी बराबर है एल एस, यानी कि कंक्रीट कंक्रीट की लंबाई और कंक्रीट की लंबाई और स्टील की लंबाई बराबर है, तो वो कंक्रीट की लंबाई और स्टील की लंबाई बराबर है, क्योंकि क्योंकि देखिए आप यदि कोई बीम है, मान लीजिए इस टाइप का कोई बीम है, यदि आप बीम में सरी यानी छड़ प्रोवाइड कराओगे तो आधी दूरी तक थोड़ी प्रोवाइड कराओगे आपको, कंक्रीट में यानी कि मान लीजिए ये हमारा बीम है, इसमें आप जब छड़ लगाओगे ना तो पूरी लंबाई तक लगाओगे, तो इसीलिए कंक्रीट की लंबाई और स्टील की लंबाई क्या होगी, समान होगी, सेम होगी, तो जिसके कारण क्या होगा, क्या हो जाएगा, लंबाई जो होती है जो एल एल जो होता है एल ई सी और एल एस जो चूंकि कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बचेगा,
आपको बचेगा यहाँ पे पीसी, ऊपर क्या बचेगा पीसी, यानी कंक्रीट के अकॉर्डिंग हम लोग दिखा रहे हैं तो पीसी ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। पीसी, पीसी बटे एसी बटे ईसी हो जाएगा, और पीएस बटे एएस बटे ईएस, ठीक है। एल हमारा कट गया है, आप देखिए आपको यहाँ पे सिग्मा बराबर होता है पी अपन, यानी कि प्रतिबल, सिग्मा यानी स्ट्रेस जिसे इंग्लिश में बोला था, प्रतिबल वाला बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी एफ अपन ए पी अपन ए करिए, तो पी सी अपन ए सी हो जाएगा आपका। तो यानी कि यहाँ पे देखो बल बटे क्षेत्रफल आपका निकल गया रहा, तो आप यहाँ पे इजिली आप सिग्मा सी रख सकते हो, ठीक है। क्या रख सकते हो, सिग्मा सी रख सकते हो, और ई सी नीचे आपका बचा है तो ई सी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी एस है आपका, पी एस है तो आप इजिली आप ए एस, यहाँ पे देखो पी एस है तो आप इजिली आप सिग्मा सी इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख सकते हो, बटे नीचे हो जाएगा ई एस आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो ई एस है, ई एस को आप मल्टीप्लाई करके ऊपर ला दो, ठीक है, कैलकुलेशन करके, और यहाँ पे देखो ई सी के आप यहाँ पे इसके नीचे ला दो, तो ई एस बटे ई सी हो जाएगा, ठीक है। स्टील का अयनांक प्रत्यास्थापक और कंक्रीट का अयनांक प्रत्यास्थापक बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बटे सिग्मा सी, ठीक है। और चूंकि एम बराबर आप फार्मूला पढ़े हो वहाँ पे मॉडुलर रेशियो में, एम बराबर मॉडुलर रेशियो जो होता है ई एस बटे, यानी कि मापांक अनुपात जो होता है ई एस बटे ई सी होता है, ई सी ई एस बटे ई सी, यानी कि स्टील में यंग प्रत्यास्थ मापांक और कंक्रीट में यंग प्रत्यास्थ मापांक, तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम लोग यम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यम हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका यम हो जाएगा, यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा सिग्मा एस एस बटे सिग्मा सी, ठीक है। आप सिग्मा एस बटे सिग्मा सी को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो, या फिर तीर मार के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिग्मा सी बराबर सिग्मा एस बटे यम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। तक आप देखो कुछ पॉइंट करके लिखा, कंक्रीट के पदार्थ सॉरी कंक्रीट के पदों में स्टील का समतुल्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, कंक्रीट के पदों में, तो कंक्रीट के पदों में, ठीक है, स्टील का समतुल्य क्षेत्रफल, स्टील का समतुल्य क्षेत्रफल सिग्मा एस बटे एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बटे एम हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंग्लिश में से बोला जाएगा इक्विवेलेंट स्ट्रेस ऑफ स्टील इन टर्म ऑफ कंक्रीट, ठीक है, यानी कंक्रीट के पदों में स्टील का समतुल्य प्रतिबल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कुछ पॉइंट और भी है, हम लोग इसको देख ले रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इन सबको, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तो आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो चलिए कुछ पॉइंट और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए समीकरण एक में सिग्मा एस बराबर एम एम डॉट सिग्मा सी रखने पर, ठीक है, आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो इतना मान आपको निकल गया आ जाएगा। सिग्मा हम लोगों ने पहले ऑलरेडी ही समीकरण एक माने हैं, और समीकरण एक में यहाँ पे देखो इसके स्थान पे एम डॉट सिग्मा सी, इसके स्थान पे एम डॉट सिग्मा सी ए एस का मान यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका एक सिग्मा सी जो है इसको क्या क्या कर लिया गया, कॉमन कर लिया गया, तो बचेगा क्वेश्चन में ए सी प्लस एम डॉट ए एस, ठीक है। ये सब जो भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है इसको। टोटल इक्विवेलेंट एरिया क्या हो जाएगा आपका, टोटल इक्विवेलेंट एरिया हो जाएगा ए सी प्लस एम डॉट ए एस हो जाएगा, ठीक है। आपको इन पॉइंटों को याद रखना, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म ऑफ कंक्रीट में, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि एम डॉट ए एस हो जाएगा। ए भी जो है टॉपिक यानी पॉइंट जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोगों का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।